भाई साहब, कौन सी थार में आपको ये चीज देखने को मिलेगी भाई, कमेंट करके बताओ। ठीक है, इकलौती थार है भाई पूरे इंडिया में, इकलौती। चेक करो देखो, वो देखो भाई नीचे देख रहे हो, देखो ये देखो भाई क्या तगड़ा लग रहा है भाई इंटीरियर। चेक कर रहे हो गाइस, ये देखो भाई तार लो भाई, थार लेने के बाद पूरा टोटल कॉस्ट खर्चा कितना आ गया जो तुमने अभी तक कराया इसको थार। देखो भाई स्टार्ट हो गया, लेकिन डिफ पर वैसे डिफ नहीं पड़ेंगे जैसे पढ़नी चाहिए। ये चेक करो गाइस, भाई सर्कल चेक कर रहे हो, ऐसे में थार चलती है ना। अरे तेरी भैंस की मुंह, अरे भैंस ये मेरा पीछा, अरे मैं क्या तो भैंस की मुंह तेरी। हमारा लस्सी आ गया, ऐसे देखो इस मुझ भी स्मूथ हो गया। नमस्ते, मैं स्त्री कार्य, तो कैसे सारे होप से बच्चों के फिट एंड फैन हो गए। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह के लोकेशन से गाइज, हम लोग पता भी कहाँ है गाइज, अभी हम लोग है रिसोर्ट में, पीछे मून भाई बैठे हैं, एंड गाइज वो जो पीछे बंदे भाई को देख रहे हो ना वो हमारे लिए नए हैं, अभी उनसे आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। फिलहाल गाइज मून भाई बैठा है एडिटिंग कर रहा है, एंड गाइज वेदर देखो भाई कितना प्यारा हो रहा है। अभी हम ना एक रिसोर्ट में, और रिसोर्ट की लोकेशन क्या है वो गाइज अभी मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि इसके पीछे काफी सारे साइंटिफिक रीजन है। क्यों मोनू भाई? तो गाइस अभी का सीन ऐसा कि हम लोग अभी थार से घूमने हमने जाएंगे कहीं पे, और आपको सारा आज का व्लॉग जो है थोड़ा मैं सोच रहा हूँ गाइस, क्योंकि ना जो हम लोग रोड रेज वगैरह की वीडियो डाल लेना उसमें लिटरली सीन ही हो रहा है कि वो ना येलो हो जा रही है, मतलब जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तो वो ग्रीन रह रही है, लेकिन जब उसको मैं हम लोग सुबह उठ के देख रहा हूँ ना तो वो येलो हो जा रही है, तो अलग ही सीन चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइस आज का व्लॉग डेली व्लॉग रहने वाला है, एंड आज के व्लॉग में लेट्स सी गाइस क्या होगा, लेकिन गाइस आपको फुल मजा आएगा व्लॉग में, एंड मोटो व्लॉग भी शायद आज के व्लॉग में नहीं होगा, लेकिन गाइस आज मैं आपको जो दिखाऊंगा ना इस व्लॉग में वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत खास होगा। तो फिलहाल गाइस सब बैठे हैं, एंड लेट्स सी गाइस आज का प्रोग्राम क्या बनता है, जो बनेगा आपको आगे व्लॉग कंटिन्यू पता चला है। तो गाइस अभी का प्लान बन रहा है हमारा सर हमने आरटीओ निकलने का और आरटीओ ऑफिस जाने का, क्योंकि भाई लोग वहाँ पता सीन ऐसा हो रखा है, जो मेरी बाइक है ना जो अपनी ऑगी है वो जो है सेल हो रखा है, एंड उसकी जो मेरे को आरसी लेनी है, एंड सेकंड थिंग इज जो अपना एक डॉक्यूमेंट पेपर वर्क साइन करना है, तो वो वाला काम भी निपटाना है, वहाँ पे मेरे को एक फॉर्म पे साइन करना है, एंड जो अपनी बाइक है ना वो अपने उससे निकल जाएगी पूरी, मतलब क्लियर आउट डॉक्यूमेंट से क्लियर आउट हो जाएगी। कहाँ से सिलेंडर लेके आना है? थार में वाह गाइस देख रहे हो, थार में सिलेंडर लेके आएगा, तो चलो गाइस चलते हैं। एंड गाइस आज ना मैं आपको फुल टूर देने वाला हूँ अपनी थार का, उसमें क्या क्या इंटीरियर बॉडी क्या क्या सब कुछ आपको बताऊंगा। अभी निकलते हैं ऐसे रामनगर के लिए, एंड यहाँ मुंजा जा रहा है गाइस लड़की चप्पल पहन के, लड़की चप्पल पहन के आ रखा है, मैं चप्पल छोड़ गया मम्मी पहन के मम्मी। तो गाइस निकलते हैं फटाफट से भी, एंड गाइस आज मैं आपको थार का ऑल ओवर रिव्यू देने वाला हूँ। एंड गाइस मेरे से काफी लोग बोल रहे हैं दुबई में थार परचेस कर रखी है, गाइस देखो थार है अपनी लेकिन ओनर भैया है जो मतलब मैं सिर्फ राइड करता हूँ, बाकी जो थार अपनी है भाई फूल का हाल देखो यहाँ पर, चेक करो गाइस पूल का हाल कितना बुरा हो रखा है, हम लोग सोच रहे हैं इसमें स्विमिंग करेंगे जब ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन साफ ही नहीं हो रहा है। चलो गाइस अभी निकलते हैं, गाइस देख रहे हो भाई सबसे पहली चीज़ गेट खुलता है और ये बाहर ऐसे निकल के आता है भाई, कितना क्लासिक लगता है, एक बार चेक करो देखो ये बंद किया। कौन सी थार में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी भाई, कमेंट करके बताओ। ठीक है, इकलौती थार है भाई पूरे इंडिया में, इकलौती। चेक करो देखो, वो देखो भाई नीचे देख रहे हो भाई, और भैया चेक करो इंटीरियर भाई, कार का इंटीरियर चेक करोगे अंदर का, देख रहे हो भाई क्लासिक भाई एक नंबर। अभी गाइस रात को इसका जो है मैं आपको ना इसका रात का इंटीरियर दिखाऊंगा, चेक कर रहे हो क्या तगड़ी लग रही है थार अंदर से एकदम, मतलब ऐसा लुक आ रहा है इसके अंदर भाई क्या बताऊँ, मतलब अंदर बैठते ना इतना प्यारा फील आता है ना इस थार के अंदर, ये इकलौती सी थार है दुनिया की, मतलब जो इतनी अंदर से डेकोरेट हो रखी है और हर एक चीज़ ने इसमें इतना इतना बारीकी से काम किया गया ना इसके अंदर, क्या बताऊँ गाइस चेक कर देखो पूरी थार अंदर से। गाइस देखो ये इसका कुछ इंटीरियर हाई का, ये स्टीयरिंग, एंड गाइस ये देखो पूरे में ना गाइस जो आपको दिख रहा है इधर ना, मतलब लाइट सब में लाइट लगी पड़ी है, पीछे चेक करो गाइस पीछे कपड़े वगैरह हैं पूरा, चेक करो गाइस देखो पीछे देखो इंटीरियर चेक करो भाई पूरा मैट चेक करो गाइस, ये देख रहे हो आप, अगर आपको है ना एक छोटे छोटे बल्ब होंगे आपको विजिबल नहीं होंगे लेकिन बहुत छोटे छोटे बल्ब हैं, देखो ये देखो अभी ना गाइस आपको काफ़ी चीज़ें में इसमें ना विजिबल नहीं होंगी क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, रात एक बार ना गाइस आपको मैं रात का इसका व्यू दिखाऊंगा। गाइस अभी आ चुके थार के अंदर, एंड ये चेक कर दो गाइस, यहाँ देखो पूरे में लाइट है, ठीक है एक लाइट ये है और भाई एक लाइट ये है, एंड भाई लोग ये देखो ये जो लाइट दिख रही है आपको ये लाइट है, एंड गाइस वो थार के ऊपर देखो ये सबसे क्लासिक लगता है गाइस मेरे को, इसमें सबसे क्लासिक ये चीज़ है, मतलब थार के ऊपर ऐसा डिजाइन कर रखा है, और देखो नीचे लाइट है, देखो पैरों के सामने लाइट है और यहाँ पर लाइट है, और सबसे चीज़ ये देखो ये स्पीकर थे स्पीकर देखो स्पीकर पर देखो भाई कितनी प्यारी लाइट लग रखी है, एंड लिटरली भाई ऑल ओवर थार इतनी प्यारी ना भाई क्या बताऊँ गाइस, ऊपर चेक कर देखो ऊपर देख रहा हूँ मेरे ऊपर देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है तारों के नीचे बैठे हम लोग तारों की छाँव में। तो गाइस पूरे वो जो अपने सारे सुनी होगी आ ले चलो तुझे तारों के शहर में तो गाइस देखो मैं भाई हमने तार ही नीचे बुला लिए। तो गाइस फिलहाल चेक कर देखो ऐसे कुछ थार लग रही है, तो गाइस चिंता ना करो गाइस इसको मैं नाइट में ब्लॉग शूट करूंगा, छोटा सा ब्लॉग शूट करूंगा और आपको जो इसी व्लॉग में देखने मिल जाएगा अपने थार का पूरा इंटीरियर। फिलहाल गाइस हम लोग पहुंच गए रामनगर, एंड यहाँ से सीधा हम लोग जा रहे हैं आरटीओ ऑफिस,
यहाँ पे आया था आरटीओ अपनी आरसी लेने के लिए, लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सा अलग ही नियम निकाल रहा है, 3 बजे के बाद आरसी मिलेगी, पता नहीं कैसे चल रहा है। तो चलो गए, तब 3 बजे आऊंगा, क्या कर सकता हूँ भाई, अलग ही नियम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, अलग ही नियम निकाल रखा है। आरसी लेने गया, कह रहे 3 बजे के बाद मिलेगी आरसी, क्यों पता नहीं, 3 बजे के बाद तो बंद हो जाती है सारी चीजें, कह रहे 3 बजे के बाद मिलेगी आरसी, और चीज तो बार बार इससे पहले पहले लेकर काम होते हैं, वो तो कहेंगे 3 बजे बोल रहे हैं, 3 बजे आरसी और डीएल, तुम्हारा सही है, अलग ही नियम निकाल रखे इन लोगों ने। चलो फिलहाल कल घर गए, सभी हम लोग जा रहे हैं करण को पिकअप करने के लिए, एंड उसके घर चल रहे हैं, थोड़ा टाइम पास करके आते हैं, क्योंकि हम लोग घूमते घूमते फिलहाल बोर हो रहे हैं, एंड अभी ऐसा कुछ करने के लिए है नहीं, तो हम लोग फिलहाल वहीं जा रहे हैं, किसी ऐसी लोकेशन में जाएंगे जहाँ पर खाली हो, एंड वहाँ जाके ना भाई थार के बारे में सब कुछ बताएंगे आप लोगों को, A to Z इन्फॉर्मेशन जो जो कार में हो रखा है, मोनू भाई के साथ बात करते हुए आपको सब कुछ बताऊंगा। चेक करो, देखो लुड़ू आ गया, लुड़ा आ गया, अबे लुड़े तेरी देखा देखी, पता है किसने किसको सिखाया, चलना आपको चोर नमस्ते का, अल्लाह उड़े, जिसको मैंने सिखाया वो मेरे को बोल रहा है कि मैंने ब्लॉग बना दो, जो बेस्ट कैमरे में आता था ना वो मेरे को बोल रहा है कि देखो मैं देख रही हूं ब्लॉग बना रहा है, गाइस जो मुझे बोला मेरा मैं देख रही ब्लॉग बना रहा है गाइस, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास, एक बात बता मुझे साढ़े तूने कौन सा लोन पे नहीं, कौन सा लोन तो चल रहा है, कौन सा तूने पे नहीं किया भाई, सारा सब कुछ फिक्स चल रहा है भैया का होगा जहाँ तक उम्मीद है, कद्दू तेरा बोला है 2 व्हीलर तेरे पास ही है, R15 वो भी फाइनेंस पे, इसके बाद जो है मोटी चैन मोटा भरा सारा कैश है, इनने ना लोगों के साथ फ्रॉड कर रखा है, फ्रॉड आदमी है, इसको ना कोई भी चीज़, इसको कोई भी चीज़ फाइनेंस वगैरह मत दिया करो, ये ना लेके ना चीजें भाग जाता है, अभी अभी इसने ना मेरा नंबर दे रखा है, वो अल्टरनेट नंबर मेरा दे रखा है, साले ने वहां से मुझे फोन कर रही हो, कह रही कि हम ऐसे बैंक से बात कर रहे हैं, गाइस बैंक से मैं बताऊंगा नहीं, तेरे हरकतें हैं इसकी, गाइस हरकतें हैं गाइस, ये हराम लग जाते हैं गाइस, ये हराम बंदा है ये, गाइस वाले गरीबों का अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखता, मेरा फालतू के पैसे काटते हैं ना वो, गरीब आदमी बैंक वाले ना गरीबों को लूटते हैं पता है। तो गाइस आज हम ना अनमोल को लेने जाएंगे हम थार से, तो उसका ना अलग ही टॉय बन जाएगा, वो खुश हो जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा अनमोल का, आज हम उसको थार से लेने जाएंगे, है भाई क्या बोलते हो, चलो मजा आएगा। ये देखो चेक करो इंटीरियर भाई, ये देखो आप देखो इस हाथ में कितना प्यारा लग रहा है गाइस, देख रहे हो भाई, ये है भाई चीज थार के अंदर, देखो भाई क्या तगड़ा लग रहा भाई, इंटीरियर चेक कर रहे हो गाइस, ये देखो भाई तारे ऊपर पूरी थार, देखो भाई क्या क्लासिक लग रही है, ये देख रहे हो भाई पीछे का पूरा ट्रैफिक हो गया, हम लोग पीछे पूरा ट्रैफिक कर दिए, पीछे लोग हॉर्न बजा रहे हैं, पे पे पे, तो गाइस अब हम लोग थार लेके जा रहे हैं ऑफ रोडिंग साइड, और ये गाइस देखो ये रहा हमारा ऑफ रोड का रास्ता, यहाँ से पूरा ऑफ रोड ले घुस जाएंगे गाइस, अभी हम लोग यहाँ से ना अपने थार में 4x4 डालेंगे एंड इसको घुसड़ देंगे पानी के अंदर, एंड भाई उसके बाद जो मजा आएगा ना भाई, मून में ऐसा बोलूंगा मून में ड्रिफ्ट मारेंगे, एंड गाइस आप लोगों को पूरा शूट करके दिखाऊंगा एक चीज भाई, बड़ा मजा आता है गाइस, लिटरली हम पिछली बार आए थे, जिसने गाइस S3 के लाइफस्टाइल व्लॉग वाला जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना, उसमें गाइस मैंने डाल रखी है ड्रिफ्टिंग की वीडियो डाल रखी है गाइस, आप लोग वो जगह एक बार चेक जरूर कर लेना, गाइस देख रहे हो भाई कैसी कैसी जगह देख रहे हो गाइस, वहां देखो भाई पूरा देखो झाड़ी है, एंड गाइस देखो थार कैसे निकल रही है यहां से, ये देखो भाई जगह नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन भाई फिर देखो थार के जा रही है उसके अंदर से, चेक करो गाइस तगड़ा सीन चल रहा है भाई, तो बस अभी रास्ता क्रॉस करते हैं, ये देखो भाई इधर देखो पूरा भाई पूरे झाड़ी है, इस साइड झाड़ी है, पूरी इस साइड झाड़ी है, देखो देख रहे हो गाइस, चेक करो देखो मोन भाई जा चुके हैं खोलने के लिए, ये झाड़ी हटाई रस्सी हटाई और खोल दिया, लो भाई गाइस अपना गेट खोल गया है, अब यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके घुसेंगे, चेक करो देखो अभी हम जंगल में आ चुके हैं, और गाइस वो देखो गाइस बताओ कमेंट करो गाइस चीज क्या है, दिल देता हूँ कमेंट करके बताओ, जो गाइस इसका नाम बता देगा ना गाइस मैं उसका नेक्स्ट वीडियो नाम लूंगा, ये है हिरन, क्या हिरन गाइस अभी कमेंट करके बताओ ये चीज क्या है, ठीक है जो बता देगा ना उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का लूंगा, ठीक है जल्दी बताओ कमेंट करके, इन्हें जो जिसका आप जहाँ पे हम चल लेना ये रोड नहीं है, ये पूरा ऑफ रोड का सीन है इधर, और गाइस मैंने अभी 4x4 डाल दिया है यहाँ पे ना भाई, आपको काफी सारे जो जानवर है छोटे जानवर दिखते रहेंगे, लेकिन गाइस हमें वो देखना नहीं है, हमें सिर्फ ऑफ रोडिंग करनी है, यहाँ पे शेर भी आता है गाइस, यहाँ पे शेर भी आता है, वो भी असली वाला शेर, मजाक नहीं कर रहा, लिटरली बहुत बड़ा शेर आता है यहाँ पे वाला, कैसा वाला, तो गाइस यहाँ से हम लोग ऑफ रोड में घुसने वाले हैं, ये लो भाई यहाँ से गाइस हमारा ऑफ रोड आ चुका है, यहाँ से ऑफ रोड में घुसते हैं ऐसी होगी हमारी ऑफ रोड के अंदर एंट्री, वहां से वीडियो कौन बनाएगा, तू बनाएगा ना, तो हम लोग पहुंच गए कुछ इस तरह की लोकेशन में, गाइस चेक कर रहे हो
ये खड़े गए थे अपने थार और भाई लोगों मतलब अलग सा व्यू का यहाँ चेक कर दो कितना खतरनाक व्यू आ रहा है ऐसे देखो यहाँ से गाइस देखो कितना खतरनाक व्यू आ रहा है पूरे हमारे मोनू भाई एंड गाइस ये खड़ी पे थार। अब तो चलो गाइस आपको मैं अपना हर एक चीज बताऊंगा डिटेल से कि इसमें क्या काम हो रखा है मोनू भाई से पूछेंगे एंड स्टार्ट करते हैं ठीक है। मोनू भाई शुरू हो जाओ और बताओ इसमें क्या तुम्हें करवा रखा है पहले तो ये मेरे को बहुत अच्छे प्यारे लगे थे। हाँ ये मैंने स्टार्टिंग में दिखाया फुट रेस्ट। हाँ ये वाले लगवाए थे और ये क्या प्राइस बताओ? ₹1,00,000 के हैं दोनों। दोनों ₹1,00,000 के इस साइड का और उस साइड का दोनों का मतलब 50-50 का एक है यानी कि दो हो गए 50,000 सीधा 1,00,000 हो गया। इस पे पूरा ये पेंट करवाया था इसमें ये पियानो पेंट है ये वाला ब्लैक कलर जो आपको दिख रहा है। अच्छा ये पेंटेड है क्या? मेरे को लगा ये वैसे आ रखा तुमने ये पेंट करा रखा है बस पियानो पेंट बोलते हैं ठीक हो गया गाइस। तो कैसे भी अंदर चलते कार के ये जो मर्सिडीज ऑडीज में होते हैं इसमें ये बल्ब जलते हैं कलर वाले वही चीज और ये भी सीटों पे इस पे कवर लगे हुए हैं इसी कलर का मैचिंग कॉम्बिनेशन करवाने किया है। यहाँ पे भी पियानो कलर हो रखा है इस पे जितना ब्लैक आपको देख रहे हो भाई सारा। तो गाइस बाकी गाइस आप जब अभी रात हुई थी तो गाइस मैं थोड़े जब अंधेरे में गए थे हम लोग तो मैंने आपको हर एक चीज दिखाया था यहाँ पे कि मतलब क्या क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर। गाइस बाकी चेक करो गाइस देखो मतलब जो अंदर का जो काम हो रखा है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल है भाई। अभी देखो यहाँ पे सारे में ये जो आपको दिख रहा है इसमें भी एलईडी है इसमें भी एलईडी है चारों में एलईडी है और पूरा जो रात को जो गाड़ी लगती है ना भाई मैं रात को ना नाइट का एक टेक लूंगा एंड वो आपको वीडियो लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो मोनू भैया इसमें मतलब खर्चा कितना गया टोटल? टोटल ये 8,00,000 के अप्रोक्स पहुँच गया पूरा। 8,00,000 के अप्रोक्स पहुँच गई। यहाँ पे ना लोग अपने मतलब तुमने ये टायर या अलॉय चेंज नहीं कराए क्यों? ये क्या है मेरे को क्या स्पीड की जरूरत होती है हाईवे को भगानी होती है गाड़ी तो अगर अलॉय चेंज कराऊंगा ना तो वाइब्रेट करेगी ऐसे गाड़ी पूरी हिलेगी तेज नहीं चल पाएगी। जो कंपनी फिटेड है एलॉय इसमें कितना भी फुल स्पीड से भगा सकते हैं अपन गाइस। तो ये चीज पता मेरे को भी नहीं पता था मोनू भाई ने मेरे को बताया कि ऐसा होता है और गाइस ऐसा एक्चुअल में होता है। मैंने काफी थारे देखे हैं भाई लिटरली ये थार पता कितना 185 फुट टच कर देती है मोनू भाई 175 टच कर देती है भाई ये थार अपनी जो है जो मैंने टच की थी गाइस मेरे को याद है मैंने 170 टच की थी जो कि लास्ट मैंने टच की थी और भाई अभी ये थार है ना 175 टच कर देती है लिटरली इतनी तगड़ी है ना मतलब लोग ना पूरे थार मॉडिफाई कर देते हैं बम्पर वम्पर सब चेंज कर देते हैं। एंड मोनू भाई इसमें जो बम्पर लगा रखा है तो कंपनी फिटेड ही होगा ना ये? नहीं नहीं ये भी अलग से मॉडिफाई कराया था और इसमें ये जो लाइट है ये ₹1,50,000 की ये और दो वो लो ये ₹1,50,000 की लाइट ही लाइट है ₹1,50,000 की फॉग लैंप फिर अलग से लगवाए थे। अच्छा और ये भी सारी चेंज है लाइट इसमें जितनी दिख रही है सारी चेंज है अलग से मॉडिफाई है। थार लेने के बाद पूरा टोटल कॉस्ट खर्चा कितना आ गया जो तुमने अभी तक कराया इस पर? थार 8,00,000 का वो मॉडिफिकेशन है इसमें पूरी 8,00,000 की मॉडिफिकेशन इसका मुंह देखो चेक करो 8,00,000 की सामने वाला हाँ नाइट वीडियो बना रखा है वो अपलोड करूंगा भाई मतलब रात को ये कार मोनू में पीछे आ रहे थे मेरे मैंने आगे वीडियो बनाई पूरे में उजाला हो गया गाइस चेक करो फिलहाल ये वीडियो। तो गाइस ऑल ओवर इसका रिव्यू मैंने आपको दे दिया थार का भाई इसमें क्या क्या हो रखा है क्या क्या चीजें हो रही है इसमें और भाई सबसे प्यारी चीज गाइस मेरे को पता क्या लगी है सर फुट रेस्ट भाई सबसे प्यारी चीज वो लगी है मेरे को जो मैं JBL के हैं क्या JCBL हाँ मेरे को भाई इसकी लाइटें जलती है ना रात को गाइस मैं इसका सिनेमेटिक व्यू आपको पक्का दिखाऊंगा। तो फिलहाल कैसे भाई निकलते हैं से थोड़ा ड्रिफ्ट वगैरह मारते हैं इससे। तो गाइस पता सीन क्या है जो देखो ये देख रहे हो ना ये देखो गाइस देखो ये जो मिट्टी ना गीली है भाई इसमें ना भाई ड्रिफ्ट लगेगी नहीं अगर सूखी हुई होती ना तो भाई यहाँ पर जो ड्रिफ्ट मारने में मजा आता ना और धूल उड़ती पूरे उसमें। लेकिन गाइस मोनू भाई जब भी आते ना भाई बारिश लेके आते हैं जब मोनू चले गए थे तब देखा तुमने क्या हुआ था एकदम शांत माहौल है और धूप ही धूप तुम यकीन नहीं मानोगे तुम रात को निकले और सुबह को धूप ही धूप हो गई थी अभी आ रहा है मौसम वैसे देखो हम पिछली बार आए थे ना ये देखो देख रहे हो निशाने देख रहे हो आप लोग ये टायर के सारे ये हमने मार रखे थे टायर से निशान सारे सारे देख रहे हो भाई खतरनाक यहाँ से लेके पूरा गोल सर्कल गाइस हमने कर रखा है ये तो छोटा सा टायर लेते हैं थार को घुमाने का चारों फोर बाय फोर ऑन करके ड्रिफ्ट मारते देखते भाई कैसी आएगी ड्रिफ्ट ठीक है। मोनू भाई स्टार्ट हो जाओ चलो एक बार दिखा दो गाइस अभी मोनू भाई जा रहे हैं फटाफट से अंदर भाई ये देख रहे हो भाई ये भाई सिस्टम इसका म्यूजिक सिस्टम कितने का मोनू भाई है ये इसी में इंक्लूड है जो अच्छा 8,00,000 खर्चा ना हाँ ये क्या चीज़ है ये तो सर्विस हुई थी तो अच्छा ऑयल है मोबिल ऑयल। तो चलो गाइस चेक करो देखो अभी उसको देखो गाइस देखो गाइस अब पूरा डिपेंड वाली गाइस अब देखो भाई कितना मजा आएगा खतरनाक वाला सीन होने वाला गाइस अब आप लोग पूरा वीडियो उसके इसके मत करना मजा आएगा। देखो देखो भाई स्टार्ट हो गया लेकिन ड्रिफ्ट वैसे ड्रिफ्ट नहीं पड़ेंगे जैसे पढ़नी चाहिए ये चेक करो गाइस खतरनाक
भाई ये तो मिट्टी जो है ना भाई, ये देख रहे हो ये मिट्टी, ये चीज ये ना भाई गाड़ी को पकड़ रही है। चलो गाइस एक बार मैं ट्राई मारता हूँ, 13 से शूट करने वाला हूँ, 13 प्रो मैक्स। इस वाले हाथ में 13 है और इस वाले हाथ में 13 प्रो मैक्स। अभी देखते हैं भाई क्या होने वाला है यहाँ पे। सिद्धू गिर गया था भाई। ये चेक करो गाइस, अबे तो टांगे छोटी। अबे चूतिया कैसी बात कर रहा है, टांगे छोटी उनकी। आ गया। तो गाइस यहाँ पे पढ़ने वाली है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या पढ़ने वाला है। ले इससे तो कुछ भी ना हो रहा। वो भाई सर्कल चेक कर रहे हो, सर्कल बना दिया इसने तो, एक ही जगह घुमा घुमा के सर्कल बना दिया भाई। देख रहे हो, भाई साहब ऐसे में थार चलती है ना। अरे तेरी भैंस की मुंह, बहन ये मेरा पीछा, मैं क्या था वो बहन की मुंह तेरी, साला आराम को, बहन तेरी भैंस की मुंह, साले आराम आराम को भाई साहब तगा दिया साले ने, साला हरामी, भैंस की पूछ इसकी। मैं साले पहले ही भाग जाऊंगा, भाई के पास जाऊंगा, उधर आएगा ही नहीं। एक तो मैंने क्रॉस में तेरी मार की है, तेरी भैंस की भाई 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 माफ कर दे भाई, गलती रुक जा रुक जा। तगा दिया भोसड़ी वाले ने, अरे मोनू भाई चलो यार तगा दिया इसने। अरे हाँ भाई इससे ज्यादा नहीं भाग सकता मैं, इससे ज़्यादा नहीं भाग सकता मैं, हालत डाउन भाई। मैंने क्रॉक्स पहन रखे नीचे, ऐसे क्रॉक्स पहना के भगा रहा मेरे को। ये तो कुत्ता वाला गाइस के साथ देखो सारे दिखा दिया भाई सर। नेवर ट्रस्ट योर बेस्ट फ्रेंड। इसको तो कहाँ दौड़ा, देखो मैंने ऐसे देखो वहां तक, यहाँ से पूरा वहां तक दौड़ा, वहां से पूरा उधर तक पूरा दौड़ा के ला रहा होगा। इसको देखो मैं, इसकी फट के हाथ में आ गई। कोई नहीं ब्रो, हुंदा है हुंदा है। तार के सामने कभी नहीं आऊंगा, तार के आगे नहीं आना भाई, ये कहीं भी जाती है भाई इसके साथ। अगर कहें आपकी जब आपकी पुलिस पड़ी हो ना और आपका थार है तो आपके लिए ये जो आपके लिए जो ऑफ रोड है ना, ये ऑफ रोड नहीं है, ये आपके लिए हाईवे है। यहाँ दौड़ा हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं घुसेगा। तो चलो गाइस होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मजा आ रहा होगा ब्लॉग में। बस ये था ब्लॉग थार के ब्लॉग में। तो गाइस अब निकलते घर के लिए। गाइस अभी जो है सिद्धू जो है पानी में ड्रिफ्ट मारने वाला है, मतलब पानी में ऑफ रोड करने वाला है। तो भाई मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, अभी शूट करता है सिद्धू, मतलब जाता है पानी में, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओ भाई स्टार्ट हो गई, साले हरानी। उधर से इधर को लेके ऊपर को, तब मजा आएगा। गाइस वीडियो में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर मजा आ रहा है, मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है तो कमेंट कर देना अच्छी अच्छी, और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना दबा के। पता नहीं कहां से लेके आएगा, कितनी दूर जा रहा है भाई, ऐसा पता नहीं क्यों इतनी दूर क्यों गया, मेरे को ये समझ में नहीं आया। वैसे जो भी है मौसम सेक्सी हो रहा भाई, आज मौसम के तो मजे लेने बनते हैं। आ जा जल्दी आ जा, चल मैं दिखा रहा हूँ तेरे को, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। भाई साहब क्या ऑफ रोड चल रहा है पानी में, अंदर पानी के अंदर भाई। वो भैंस की पूंछ, वो
भाई साहब वो भयंकर पानी अंदर ऑफ रोड चेक करो गाइस मजा आया या नहीं देखो यो भाई देखो टायरों पे टायर पे मिट्टी देखो कितनी चिपक गई गाइस बहुत सारी थार में कुछ भी करना इजी है भाई कुछ भी कर लो भाई कुछ भी कहीं गुजर दो भाई कहीं भी आपको ऐसा दिन नहीं हुआ कि आप लोग हाईवे में नहीं हो अभी मैं पानी से लेके आया इतने घर घर गड्ढे होंगे ऐसा लगे हाईवे चल रहा हूँ इतना मक्खन मजा आ गया तो गाइस भाई थार के लिए एक बार वीडियो स्टार्ट नहीं हुई तुम वीडियो स्टार्ट नहीं करी थी ना मजाक मत करो यार मजाक मत करो भाई अभी करी है करिए यार शूट करिए तेरा भाई प्रोफेशनल है यार इस चीज़ में इसको डरा दिया था अभी मैंने तो चलो गाइस होप आपको आज की वीडियो मजा आएगा अभी घर निकलते हैं फोटो तो खींच गए यार आज का व्लॉग कहीं पेंट करते हैं एंड गाइस होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वो तो गाइस नंगा पंगा के भाई साहब ट्राइसेप दिखा रहा है गाइस है नहीं उसके चलो भाई व्लॉग का एंड करते हैं एंड अभी क्या बोलते हैं एंड नहीं कर रहे गाइस लास्ट हम लोग जा रहे हैं अनमोल के पास उसका अभी टाइम अभी ओ एक बज गया एक बज गया तो हम लोग अनमोल के पास निकलते हैं चल 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 एक बज गया साले मुझे चलो एक बज गया चलो चलो एक बज गया अनमोल का रिएक्शन चेक करेंगे तभी हम लोग आते हैं अनमोल को लेने के लिए एंड गाइस आपने बाहर से थार तो देखी है अभी अंदर से भी देख लो अंदर से कैसी है आई मीन दिस गाइस देख रहे हो उधर एक दो तीन चार चार पिस्टन फोर है फोर के लिए इधर बैटरी गाइस देख रहे हो भाई पूरा मतलब अंदर ना पूरा भर रखा भाई ठूस ठूस के देख रहे हो भाई थार खराब हो गई यार अब क्या करे बताओ थमने लगे करा गाइस थार खराब हो गई यार क्या करें अभी पानी भरना उसमें तभी चलेगी ना तो ना चलेगी ये पानी से पानी आ रहा है गाइस पानी आ रहा है देखो ये ना चलती है वैसे इससे डीजल गाइस देखो पानी वो अपना लाइव पानी डालूंगा तो उसके अंदर मैं ले मुझे शूट कर उठा दे मनु भाई ने ली भी कौन सी कार है जो पानी से चलती है एक लोट एक जग फूटा वाला पानी और डालेगा इसमें इतने से थोड़ी होगा कुछ भी तो ले आएंगे टेंशन ले रहा हूं बस पानी की जरूरत है पानी पिलाओ रे पीने को दो रे पानी डालो थार चलाओ तो दस बार तो रुक गए एक ऐसी थार है जो पानी पे चलती है समझ रहे हो ये पहली एक ऐसी थार है पूरे इंडिया में हाँ ऐसे करंट को सही कहता पता नहीं कैसे इसकी बात एकदम सही है पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी थार है पानी डाल दिया इसमें अभी जो है इसका वाइपर जो है ना ऑन है मैंने पानी क्यों डाला गाइस इसका वाइपर जो है ना बहुत मतलब रफ चलता है बिना पानी के तो पानी डाल दिया अभी इसका वाइपर है ना उसमें पानी अनमोल की छुट्टी हो गई है अभी अनमोल आने वाला है उसकी स्कूटी पर हम लोग बैठ रखे गए इधर थार खड़ी है उसका ना वेट कर रहे हैं हमारा लस्सी आ गया ये फास्ट तेनू लैण आए सी आपा यार क्या बोला तुमने लड़कियों ने ऐसा करा यार चल फिर तू तो लेट क्यों आता है तू क्या हो गया स्कूल ड्रेस में गया किधर याद है कंग गया तुझे क्या हो गया भाई तू इतना छोटा क्यों हो गया तेरी हाइट कंग है भाई हाइट कहाँ की हाइट हाइट कहाँ जाके लम्बा अच्छा कैसी कैसी टी शर्ट है यार ऐसी है यार हमारे स्कूल में चल भाई जब मोल आ गया अब चलते हैं मिल्ले बंदी से कौन बंदी मिल रही है चल चलने फिर क्या चलो चेक करो देखो वो लेके आ रहा है इसकी स्कूटी अनमोल आ गया थार के अंदर स्कूल से उठाने आओगे तो ऐसी होगा भाई नवाब ठहरे हम सही बात साइड कर ले पीछे गाड़ी आ रही है बिली मार रहा है चेक करो चलो गाइस अभी निकलते हैं मम्मी कसम अनमोल ने कार हटवाया यार डालेंगे सारा
चल अनमोल सो गाइस चल टिक्का वीरे मिल रहे हैं अभी आता हूँ। चलो गाइस अभी सीन ऐसा है कि आजकल वो बैंड करते हैं, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, फ्रॉम दिस ब्लॉग लव ऑल गाइस, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्यों मजा आ गया गाइस, मुझे स्मूच हो गया यार, अरे यार स्मूच कर दिया इन्होंने यार, लग गया वीडियो नहीं हट गए, गंदे लोग हैं यार।